स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार पब्लिक हमारे साथ जुड़ी है, एक और लड़की हमारे साथ जुड़ चुकी है। आइए इनसे बातचीत करके जानते हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में। नमस्कार मैम, आपका नाम? प्रियंका इंसा। मैम आप कितने समय से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं? मुझे कम से कम 20 साल हो गए हैं डेरे से जुड़े हुए। मैम आपको डेरे का इन्वायरमेंट कैसा लगता है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है डेरा के प्रति? डेरे में आके हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है, यहाँ का बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत खुशी होती है यहाँ आके। मैम संत जी आप लोगों को कैसे ट्रीट करते थे, संत जी का स्वभाव कैसा है? बहुत अच्छा है, संत जी के स्वभाव को ही देखकर हम यहाँ इतने सालों से उनसे जुड़े हुए हैं, हमारा यहाँ विश्वास है और हम यहाँ पे आते हैं, बढ़ चढ़ कर आते हैं। मैम मीडिया में 4 साल पहले डेरा के प्रति, यहाँ के स्कूल कॉलेज के प्रति लड़कियों की सेफ्टी को लेकर काफ़ी सवाल उठाए गए थे, आपका क्या कहना है इस बारे में? यहाँ के स्कूल कॉलेज में तो बहुत बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है, जो बाहर के स्कूल कॉलेजों से बहुत बेस्ट है। यहाँ हमें ऐसा कोई खतरा नहीं है लड़कियों को जो लगे कि मतलब बाहर के कॉलेजों से, काफ़ी सेफ है यहाँ के स्कूल कॉलेज और यहाँ पे गुरुजी के द्वारा पढ़ाई गई बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा, खेल वगैरह सारे, मतलब बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं। मैम आप एक एजुकेटेड पर्सन हो, एक गर्ल हो, बीइंग अ गर्ल एंड एजुकेटेड पर्सन, आपको कैसा फील होता है डेरा सच्चा सौदा में? क्योंकि एक और बात थी कि कहते हैं डेरे में अनपढ़ लोग आते थे जो अंधविश्वास करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डेरे में हमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आते हैं, आप मुझे ही देख लो, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और हमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनका विश्वास है, सब कुछ है यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ अनपढ़ ही आते हैं। मैम सोसाइटी के लिए क्या योगदान रहा है संत जी का? बहुत योगदान रहा है, ब्लड डोनेट के बहुत बड़े बड़े कैंप लगाए जाते हैं, नशे छुड़वाए जाते हैं, बहुत कुछ है यहाँ, जो 137 आज 137वां भलाई का कार्य शुरू किया गया पूज्य गुरुजी द्वारा, जो यहाँ पे बढ़ चढ़ कर करती है संगत। मैम संत जी ने फिर ऐसे संत को टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्यों उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं? ये तो बस एक सोशल समाज का वो है देखने का कुत्ता, पर बाकी डेरे में आकर हमें तो कुछ ऐसा नहीं लगा, हम इतने साल से डेरे से जुड़े हैं, हमें कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, हमने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा, बस ये कुछ लोग हैं जो डेरे के पीछे पड़े हुए हैं, बस बाकी कुछ गलत नहीं है डेरे में। मैम आपको लगता है सोसाइटी को ऐसे संत की, ऐसे एक मोटिवेटर की ज़रूरत है? हाँ जी ज़रूर है, हम तो चाहते हैं कि ये गुरु जी जल्दी से जल्दी वापस आए और जो समाज में अभी भी फैली हुई बुराइयाँ हैं उनके आने से ही ख़त्म होंगी, तो हम तो सरकार से भी यही अपील करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी बस गुरु जी को रिहा करें और जल्दी से वापस आएँ। तो देखिए दोस्तों लगातार एजुकेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन लड़की हमारे साथ जुड़ रही है और इनकी यही मांग है कि समाज से अगर बुराइयों को ख़त्म करना है तो संत जी का समाज में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इस बारे में ज़रूर सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। इसी के साथ देखते रहिए द फैक्ट टाइम, धन्यवाद।